मुझे ये जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट मुझे पसंद नहीं है। लेजेंडरी क्वेश्चन मुझसे पूछा है, भर भर के उसके ससुराल वालों को गिफ्ट्स दो, किसी ने मतलब मेरी फैमिली मेंबर में से किसी ने मुझे कुछ बोल दिया था कि भैया ने आप पे चीट किया या। बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो मैंने कुछ दिन पहले अपना Q&A के लिए पोस्ट डाला था कि हम लोग ईयर के स्टार्टिंग में Q&A करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था, मैंने स्टोरीज भी डाला था और मैंने साथ ही साथ यूट्यूब पे भी पोस्ट डाला था। तो तीनों जगह अलग अलग मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। मैं किसी के भी नाम नहीं लूंगी कि किसने क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है कि इसने पूछा है, आप लोग समझ जाना। और जो कॉमन क्वेश्चन होंगे वो मैं आंसर दे दी जाऊंगी। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले 100 क्वेश्चन तो इसी में ही आ गए हैं। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बेसिक से जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे आए हैं उनके मैं आंसर पहले ही दे देती हूँ। तो हाई, माई नेम इज रुचि एंड माई फुल नेम इज रुचि चतुर्वेदी। आई एम मैरिड सिंस 3 years और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर मुंबई में रहती हूँ, 1 BHK रेंटेड अपार्टमेंट में। और मेरे पेरेंट्स जो हैं एंड विक्की के पेरेंट्स जो हैं दोनों भोपाल में ही रहते हैं। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल। अगर जिनको नहीं पता है भोपाल कहाँ है तो मैं वो भी बता देती हूँ कि भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और उसके बाद 3 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक बच्चा प्लान नहीं किया है। ये वाले क्वेश्चन तो मतलब भर भर के आए हैं। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और आपने बहुत सारे बार मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A में करती रहती हूँ, हर मंथ ऑलमोस्ट करती हूँ, मंथ टू मंथ में। और मेरे पास ये क्वेश्चन बड़ा आता है, बच्चा प्लान, बेबी प्लान क्यों नहीं किया, नॉल दैट। तो उस पर तो मैं बहुत ही रॉ मतलब लिटरली मैं, कुछ लोगों के टर्म्स में वल्गर होगा, कुछ लोगों के टर्म्स में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कुछ लोगों के टर्म में होगा ये कैसा आंसर था। तो इस तरह का आंसर मैं देती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यूट्यूब पे इस तरह का आंसर नहीं दे सकती हूँ। सो बच्चा प्लान करना इज टोटली यू नो मेरा और मेरे हस्बैंड का डिसीजन है। मैं किसी का भी इंटरफेरेंस इसमें एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, आई एम एन एडल्ट, आई एम 28-year-old वुमेन। मुझे पता है कि मेरी बॉडी क्या है, मुझे पता है कि मुझे कब करना है, सब कुछ मुझे पता है। तो जब मुझे करना होगा तब मैं कर लूंगी, और जब हो जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा, ये चीज़ें छुपाने वाली नहीं होती है। तो अब इसका आंसर मैं आगे फर्दर नहीं दूंगी, ये वाला हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट डज योर हस्बैंड डू। हस्बैंड इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन। मेरा कोई भी फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है। और रही बात फेवरेट फूड की, तो आई लाइक इंडियन चाट, इंडियन स्नैक्स जो होते हैं ना, मुझे इंडियन स्नैक्स बहुत पसंद है, लाइक भेलपूरी, चाट, बटर पनीर मसाला एंड यू नो इस तरह की जो चीज़ होती है, चटपटी, फुल इंडियन, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डू यू गिव सरप्राइजेस टू ईच अदर, when was the last time when he gave you surprises? See, I am very good at giving surprises. मैं surprises देने में बहुत अच्छी हूँ, but my husband is not good at it. तो वो क्या करता है, वो पैसे वेस्ट करे और मेरे को पसंद नहीं आए, और मेरी पसंद भी थोड़ी अजीबो गरीब है, उसको समझ में नहीं आता, इतना दिमाग को लगा नहीं पाता है इन सब चीज़ों में। सो वॉट ही डिड इज, वो मुझसे पूछ लेता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एक पर्टिकुलर या तो अमाउंट दे देता है, मैं उसको सरप्राइजेस देती रहती हूँ। तो लास्ट मैंने अभी उसको स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया था एनिवर्सरी का। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर चैनल, प्लीज कीप ऑन creating such content. What are your monthly earnings? Please make video on how to keep house clean and smelling fresh. Okay, so monthly earnings मेरी कितनी है उसको बताने में मैं comfortable नहीं हूँ on this public platform. बहुत सारे तरह के लोग इस channel को देख रहे हैं और मैं बिल्कुल भी comfortable नहीं हूँ, to be very honest, अपनी monthly earnings क्या है। बस इतनी आती है कि मैं अपने जो needs हैं और अपने जो शौक हैं वो दोनों fulfill कर पाती हूँ। रही बात how to keep clean, house clean and smelling fresh. So use good candles, उसके बाद diffusers use करिए, ये दो चीजें नेचुरल है जिसकी वजह से आपका हाउस काफी यू नो अच्छा स्मेल और गुड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू मेक इंट्रो दी इज टू गेट मेल फ्रॉम फॉर यूट्यूब इवेंट, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड, हाउ यू टेक स्पॉन्सरशिप्स, विच वेबसाइट योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने यूट्यूब से रिलेटेड पूछ लिए हैं श्रेया ने। सो श्रेया, आई मेक माई इंट्रो थ्रू यू नो डिफरेंट डिफरेंट एप्स के थ्रू मैं अपना इंट्रो बनाती हूँ, और समटाइम्स मैं जो मैं अपना वीडियो एडिटर यूज करती हूँ उसके थ्रू अपना इंट्रो बनाती हूँ। नेक्स्ट है, यूट्यूब के इवेंट में जाने के लिए कितने सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैं जब अपने फर्स्ट इवेंट पे गई थी तब मेरे 3000 या 4000 सब्सक्राइबर्स थे, और मुझे इसका टोटली कोई आइडिया नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज मेरे पास उन लोगों की तरफ से मेल आया था, हम खुद अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उधर से ही हमारे पास मेल्स आते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि कितने सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। देन हाउ टू टेक स्पॉन्सरशिप्स, स्पॉन्सरशिप के लिए भी मेरे पास ब्रांड्स के ऑटोमेटिकली जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, आई थिंक 30-40,000 पे जब आप पहुंचने लगते हो तो आपके पास काफ़ी सारे मेल्स आने लगते हैं ब्रांड्स से रिलेटेड, तब आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप किसके पास जाना चाहते हो, किसके पास किसके साथ काम करना नहीं चाहते हो। सो इट्स लाइक दैट।
एंड योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब. सो अगैन आई सेड कि मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ अपनी मंथली इनकम इस प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए. प्लीज़ मुझे कंपेयर मत करना कि इसने बताया उसने बताया. भाई वो कंफर्टेबल होंगे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. ओके, नेक्स्ट है आपकी फैशन आइकन कौन है. प्लीज़ आंसर, आप मेरी फेवरेट हो. या मेरा एसेट कोई भी फैशन आइकन नहीं है. मतलब मुझे ना बहुत ही, आपने मेरे को देखा होगा, मेरे को पसंद है चीज़ें, फैशनेबल चीज़ें पसंद है, किसको पसंद नहीं होती है. बट मैं ज़्यादातर, आप नॉर्मल डेज में आप मुझे देखोगे तो आई एम वेरी बेसिक, लाइक आई एम वेयरिंग दिस वेरी बेसिक टी शर्ट. तो मैं बहुत ही, मेरा फैशन बहुत ही बेसिक है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कॉन्शियस फील ना हो रहा हो, इस तरह का फैशन है मेरा. सो फॉर नाउ आई थिंक आई डोंट हैव एनी फैशन. मुझे किसी का कुछ पसंद आ जाता है, किसी का कुछ. जैसे सपोज अभी कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा का एक ड्रेस था, वो मुझे बहुत पसंद आया, उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा. देन कभी मुझे दीपिका पादुकोण की साड़ी पसंद आती, तो इट्स लाइक यू नो मिक्स एंड मैच. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बंदी है जिसको मैं डाई हार्डेडली फॉलो करती हूँ. नेक्स्ट है, अभी आपके जैसे एक लॉयल यूट्यूबर बनना चाहती हूँ तो मैं क्या, मुझे आप क्या टिप्स देगा. जस्ट बी योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट. अपने सब्सक्राइबर से कुछ भी चीज़ें छुपाइए मत. अगर आप स्पॉन्सर वीडियो कर रहे हैं, मेक श्योर आप उनको बताओ कि ये स्पॉन्सर्ड है. कोलैबोरेशंस कर रहे हो, बताओ कि आप कोलैबोरेशन कर रहे हो. आपके पास कोई चीज़ ब्रांड से आई है तो आप बताओ ब्रांड से आई है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दिशा. सो व्हाट यू कॉल विक्की भैया इन योर होम. विक्की बोलती हूँ और या फिर मोटा मोटू ऐसे करके बोलती हूँ. देन व्हाट मेक्स विक्की भैया एंग्री. विक्की को भूख लगती है तो विक्की बहुत गुस्सा करता है. विक्की पागल हो जाता है, वो भी पागल हो जाता है भूख लगने पे. हम दोनों पागल हो जाते हैं. देन व्हाट इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन. एज सच आई डोंट हैव एनी ड्रीम डेस्टिनेशन. मुझे यहाँ जाना ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. देन योर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस एंड ऑल्सो द वर्स्ट एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू. यार ना तो मेरा कोई फेवरेट है ना ही मेरा कोई वर्स्ट है. अभी फॉर मेरे चेंज होते रहते हैं. तो मुझे अभी विक्की कौशल थोड़ा ठीक लगता है, मुझे रणवीर सिंह ठीक लगता है. देन उसके बाद हीरोइंस में मुझे दीपिका पादुकोण ठीक लगती है, प्रियंका चोपड़ा मुझे ठीक लगती है. वॉट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड टू मेक दिस यूट्यूब चैनल एंड हाउ डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर नेम फॉर इट. सो मेरी इंस्पिरेशन टोटली, मैं श्रेया जैन के वीडियोज़ देखती थी, बहुत ज़्यादा देखती थी. और स्टार्ट मैंने कहूँ तो उसी को देख के ही किया है. व्लॉगिंग वॉगिंग तो सब बहुत बाद में आए हैं. मैंने तो ब्यूटी ब्लॉगर बनना चाहती थी, ब्यूटी ब्लॉगर मैंने स्टार्ट किया था. बट उसके बाद ये सब मैं आई हूँ मैं व्लॉगिंग एंड ऑल में. देन यूट्यूब इस, ये जो रुचि स्टाइल कॉर्नर है, एक्चुअली ये मेरा नाम ये नहीं था पहले. मेरा चैनल का नाम कुछ और ही था, फर्स्ट नेम. देन सेकेंड नेम मेरा कुछ और था. सेकेंड नेम में कुछ थोड़ा सा ईगोइश वाला मैटर हो गया था. किसी ने मुझे कुछ बोल दिया था, किसी ने, मतलब मेरी फैमिली मेंबर में से किसी ने मुझे कुछ बोल दिया था. वो बात मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई थी दैट आई जस्ट चेंज माई नेम विद दिस. एंड थैंकफुली जब से मैंने रुचि स्टाइल कॉर्नर नाम रखा ना, तब से मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होने लग गया था. मतलब दैट वॉज अ लिटिल यूनिक नेम हा, तो मेरा चैनल थोड़ा ठीक चलने भी लग गया था. सो आई एम हैप्पी विद द नेम. और मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ लाइक अ क्विक रैपिड फायर राउंड बाय कोमल. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. डू यू हैव क्रश ऑन समवन. नो, नॉट नाउ. आई हैड बट नॉट नाउ आफ्टर मैरिज. करीना और कटरीना डेफिनेट. करीना. कॉफी और टी. आई एम नॉट अ टी पर्सन, नीदर आई एम अ कॉफी पर्सन. आई एम अ मिल्क पर्सन. सो व्हाट्स योर फेवरेट मूवी एवर. यार मेरी मूवीज चेंज होती है मूड के अकॉर्डिंग. डिस्क्राइब योर सेल्फ एज अ टीनेजर इन 3 words. इम्पल्सिव, एनर्जेटिक एंड डेफिनेटली फ्रेंडली. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सरोज फूड जंक्शन का क्वेश्चन है. तो इनका नाम लेना जरूरी था बिकॉज इन्होंने लेजेंडरी क्वेश्चन मुझसे पूछा है. और यही एक है जिन्होंने अब तक का बेस्ट गेस किया है और एकदम सही गेस किया है. आप सब लोग गलत गेस करते थे. तो इन्होंने पूछा है, व्हाट इज योर एज, आर यू 40+. सरोज जी क्लैप्स आपके लिए. एंड यस आई एम 40+. बिल्कुल सही पहचाना है आपने मुझे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विद योर यूट्यूब अर्निंग और प्लानिंग टू चेंज योर करियर एट सम पॉइंट लेटर ऑन. सो राइट नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद द यूट्यूब अर्निंग एज वेल. एंड आगे चल के मुझे नहीं पता यूट्यूब कब तक का है, बट हाँ आई एम क्रिएटिंग माई बैकअप प्लान एज वेल कि इफ यूट्यूब नो, अगर यूट्यूब नहीं तो कुछ और सही, वैसा वाला फंडा है. सो आपका और विक्की का गाँव कहाँ है, बेसिकली योर रूट्स फ्रॉम. तो माई रूट्स आर फ्रॉम, वी बोथ आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल. बट जो मेरे फादर के रूट्स हैं दैट इज़ फ्रॉम राजगढ़ के पास में, नरसिंहगढ़ करके एक जगह है वहाँ. एंड विक्की के पेरेंट्स का रूट्स मुझे नहीं पता एग्जैक्टली. उसके पापा, वो जो गांव है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी MP में ही है. आप अपने पेरेंट्स से बर्थडे गिफ्ट क्या चाहते हो. मैं अपने पेरेंट्स से कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहती हूँ. मैं बस यही चाहती हूँ कि वो लोग हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें और उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे. और मैं आप सब लोगों से बोलूँगी, यार आफ्टर मैरिज
एटलीस्ट स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स कि वो हमको अभी भी सोना चांदी चढ़वाएं और ये करें और फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट. जब तक हमारे इंडिया में ये स्टूपिड डाउरी चलेगी और यू नो इंडियन कल्चर इज लाइक बच्चा पैदा हो रहा है तब भी गिफ्ट दो भर भर के उसके ससुराल वालों को गिफ्ट दो, शादी हो रही है तब भी गिफ्ट दो भर भर के उसके ससुराल वालों को गिफ्ट दो, इसको गिफ्ट दो उसको गिफ्ट दो, दैट्स वाई लड़कियों को बहुत समझाना आता है इंडियन कल्चर में. जिस दिन ये सब होना स्टूपिडिटी होना स्टॉप हो जाएगी उस दिन ऑटोमेटिकली जो लड़कियां होते से मार दिया जाता है या लड़कियों के होने पे खुशी नहीं होती ना वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि यार जो बेचारा गरीब इंसान है वो कहाँ से ये सब चीजें करेगा, कहाँ से अपनी लड़की को डाउरी देगा, इसलिए वो मार देते हैं. पता नहीं ये कब कल्चर खत्म होगा. सो आई लिटरली हेट दिस डाउरी वर्ड एंड मेरे यहाँ पे ना तो दिया गया है और ना ही विक्की के पेरेंट्स ने लिया गया है. जब मुझे कोई बंदी ये चीज बताती है ना कि मैं तो अपने मायके से भर भर के मेरी मम्मी मुझे ये देती है वो देती है, आई वॉज लाइक मेरा इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं. पढ़े लिखे लोग और हमारी जनरेशन, यार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब जो मेरी जनरेशन की लड़कियां हैं थोड़ा चेंज होंगी, कल्चर को थोड़ा चेंज करेंगी, जो स्टूपिडिटी इंडियन कल्चर में चल रही है वो हम लोग चेंज करेंगे. बट वेन आई सी मेरी एज के लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो मेरा बहुत खून खौलता है, सच बता रही हूँ. तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो यार स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, मतलब अब उनको उनको रिटर्न में दो उल्टा लेने की बजाय. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा राय का. माय क्वेश्चन इज आर यू प्रेग्नेंट. मतलब कुछ लोगों के दिमाग में लड़की शादी हो गई है, प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और है ही नहीं. मतलब सीरियसली नेक्स्ट है आप खुद का घर कब लोगे. सो यार मुंबई में खुद का घर लेना इज अ टास्क, सच बता रही हूँ मैं. यहाँ पर आप किसी भी अच्छे बिल्डर, जैसे जिस बिल्डिंग जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ इस बिल्डर के घर मिनिमम घर यहाँ पर 80-90 lakhs होते हैं 2 BHK ऑब्वियसली. सो 90 lakhs का लोन लेना इज लिटरली अ बिग अमाउंट, मतलब हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ लोन में चली जाएगी. सो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने घर का डेफिनेटली कुछ नहीं सोचा है और हम लोग इतना लोन लेना प्रिफर नहीं करेंगे. मतलब इसका हाफ अमाउंट भी अगर हमारे पास सेव हो जाएगा तब वी विल थिंक. सो राइट नाउ देयर इज नो सच प्लान फॉर बाइंग होम, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जब आपको पता है मार्केट का हाल कितना खराब चल रहा है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है, ऐसे में कहीं पे पैसा फंसाना इज डेफिनेटली नॉट अ वाइज डिसीजन. सो राइट नाउ वी हैव नो प्लान्स टू बाय होम एनीवेयर, मतलब कहीं पर भी अभी हमारा कोई प्लान नहीं, बिकॉज भोपाल में ऑलरेडी हमारे पास दो घर है, विक्की का घर है, मेरा घर है और छोटा मोटा चीज़ें हैं. तो यू नो अभी तो ऐसे हमारा कोई प्लान नहीं है. देन उसके बाद आपको इन लॉज के साथ रहना अच्छा लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली में, प्लीज़ इसका जवाब ऑनेस्ट देना. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यूक्लियर फैमिली में पली बड़ी हूँ, मेरे मम्मी पापा और मैं, हमारे साथ कोई भी साथ में नहीं रहा है, तो मुझे तो वैसी ही आदत है और अभी भी मैं यहाँ पर अकेली ही रह रही हूँ. मुझे ये जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट मुझे पसंद नहीं है. सो व्हाट आई प्रीफर इज आजकल क्या करने लग गए लोग, जैसे सपोज सब एक साथ ही रह रहे हैं बट ऊपर नीचे किचन सबके अलग अलग है, कमरे सबके अलग अलग है, सब अपना खाओ अपना बनाओ अपना पियो अपना रहो, जब कुछ प्रॉब्लम है सब साथ में आ जाओ, कोई फेस्टिवल है सब साथ में आ जाओ, बाकी न्यूक्लियर रहो. तो मुझे वैसा भी पसंद है कि मेरे को मैं एकदम ऐसे किसी के साथ घुस घुस के नहीं रह सकती हूँ. आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मैं चड्डा पहन के रहना पसंद करती हूँ. तो सो माय थिंकिंग इज कि एक ही घर में रहो बट ऊपर नीचे रहो, तो ऊपर अपना काम खुद करो अपने हिसाब से रहो, जब सोना है सो, उठना है उठो, खाना है खाओ, बिकॉज जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं. और द नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड अगेन बाय सदा. सो फर्स्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग और कुकिंग, डेफिनेटली इंटीरियर डिजाइनिंग, कुकिंग तो ओह माय गॉड. देन फ्रॉक और सूट, फ्रॉक, इयररिंग और नेकलेस, इयररिंग दोनों ही मुझे पसंद नहीं है बट हाँ इयररिंग बेटर है. एंकलेट और ब्रेसलेट, डेफिनेटली ब्रेसलेट. देन ग्रीन टी और मिल्क टी, मिल्क टी. हैंडबैग और बैकपैक, हैंडबैग. व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू वर इन योर स्कूल एंड इफ यू हैड अ चांस टू चेंज योर नेम व्हाट इट वुड बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी स्टूडियस नहीं बोलूंगी मैं, ऑलराउंडर टाइप की थी. मुझे स्कूल में भी 12th में ऑलराउंडर का ही टैग मिला था, इवन मुझे कॉलेज में भी वही मिला था. सो आई वाज गुड इन एवरीथिंग और मेरी मेरे टीचर्स के साथ रेपो कॉलेज और स्कूल दोनों में बहुत अच्छी रही है. मतलब आई वॉज अ काइंड ऑफ अ किड, जब मेरी मम्मी जाती थी मम्मी पापा जाते थे तो उन्हें हमेशा अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती थी, कभी भी कंप्लेन सुनने को नहीं मिली है. देन उसके बाद अगर आप मैं मुझे अपने नाम से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग हूँ. रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है. सो आई लव माई नेम और मैं अपना नाम कभी चेंज नहीं करना चाहूँगी. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपना जो सरनेम है वो चेंज किया शादी के बाद कि नहीं किया. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चेंज नहीं करना चाहती थी, मतलब मैं सिर्फ रुचि चतुर्वेदी रखना चाहती थी, इसके आगे भी मैं नाम नहीं लगवाना चाहती थी.
बट द थिंग इज कि जब हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे जो कोर्ट मैरिज होती है वो करवाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो जो कहते हैं ना सोसाइटी प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर नहीं बोलूँगी इस टाइम, सोशल प्रेशर था, क्योंकि तब मैं अपने फादर इन लॉ को जानती नहीं थी कि वो इतने कूल और चिल हैं, तो मुझे लगा कि यार बुरा लगना लग जाए और अब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो फिर मैंने ना लगा दिया रुचि चतुर्वेदी मंडलोई ऐसे करके लगा दिया है, बट मैं लगाना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ रुचि चतुर्वेदी यूज़ करना चाहती थी, बट ठीक है अभी लग गया तो आई एम ओके विथ इट। बट मैं आप सब लोगों से और हाँ, आपका एक क्वेश्चन है कि आपने चेंज क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया मतलब यार आई लव माय नेम, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, मैं मेरी आइडेंटिटी है रुचि चतुर्वेदी इज माय आइडेंटिटी, लोग इसी नाम से मुझे जानते हैं, इसी नाम पे फेसबुक पे हूँ मैं, इसी नाम पे इंस्टाग्राम पे हूँ, हर जगह लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, हाउ कैन आई चेंज माय आइडेंटिटी यार, सिर्फ एक शादी के लिए वही वाला सेंटेंस बोलूँगी, शादी हुई है कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ है कि मैं सब कुछ अपना चेंज कर दूँ। आई नो पीपल हु लिटरली चेंज देयर नेम आफ्टर मैरिज, लाइक उनका नाम भी स्टार्टिंग का चेंज हो जाता है, एंड व्हेन आई आस्क देम कि तुमने ये नाम क्यों चेंज किया, तो दे सेड हमारी सोसाइटी में ऐसा चलता है, हमारी कल्चर में ऐसा चलता है। ट्रस्ट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कल्चर में कितनी चीज़ें चलती हैं और कितनी चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि ये फॉलो करने लायक है। सो यू नो, अगर मैं किसी सोसाइटी या कल्चर को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट दैट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वी आर द वन हु कैन चेंज द सोसाइटी। एक इंसान को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा ना इस चीज़ को चेंज करने का, तो सबके कल्चर में बहुत सारी चीज़ें बेफालतू की चल रही हैं, तो हमको ही उसको चेंज करना है यार, कोई और आकर के चेंज नहीं करेगा। Then if you get a chance to make 3 wishes true, what will be those? मेरे मॉम डैड की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, विक्की की, टीनू की और विक्की के पेरेंट्स की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, बिकॉज नाउ वी आर अ कम्प्लीट फैमिली, सो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी हैप्पी, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये फर्स्ट विश है, मतलब सबकी हेल्थ अच्छी रहे। देन सेकेंड है मेरी विश है जब मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए, सो दिस इज माई सेकेंड विश, इट्स लाइक ए जीनी टाइप का, मेरे पास कोई चीज़ आ जाए, मैं उससे मांगूँ मुझे ये चाहिए और वो मुझे मिल जाए। एंड थर्ड मेरी विश है कि मुझे जब मन करे अपने मम्मी पापा से मिलने का, तो मुझे इतना लंबा ट्रैवल ना करना पड़े, मैं फटाक से उनसे मिल लूँ, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए या ऐसी कुछ चीज़ मेरे पास आ जाए कि मैं बोलूँ अभी मुझे मम्मी पापा चाहिए तो वो तुरंत मेरे सामने आ जाए। सो दीज आर द 3 विश, आई नो दीज आर नॉट प्रैक्टिकल बट ओके। नाउ यू आर एम्बेरसिंग मोमेंट, बहुत सारे एम्बेरसिंग मोमेंट्स हैं यार मेरे। मैं एक बार अपने एक फ्रेंड के घर गई थी, मतलब मैं फर्स्ट टाइम उसके घर मिलने के लिए गई थी, और मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं सबको डराती बहुत हूँ, मतलब मैंने जितने ऑफिस में अपने काम किए ना अभी तक, 5-6 ऑफिस में मैं काम कर चुकी हूँ, और उन सब ऑफिस में मैं छुपती हूँ, कोई भी मेरा फ्रेंड आने वाला होता है या मैं जिससे मेरी पट्टी हो वो आने वाला होता है, तो मैं गेट के पीछे छुपती हूँ और उसको भौ करती हूँ, तो ये मेरी आदत है। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, फर्स्ट टाइम जा रही थी, एंड इट वाज टाइम अराउंड लाइक नो 11:30 और 11:45 समथिंग, तो मुझे लगा उसका हस्बैंड ऑफिस चला गया होगा, तो आई थॉट कि जब भी गेट खोलेगी तो ये अकेली खोलने वाली, क्योंकि वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे, साथ में रहते हैं, तो जैसे ही गेट ओपन हुआ आई वॉज लाइक भौ, और वो बंदा जो था वो डर गया, ही वॉज स्कैर्ड, एंड ओ माई गॉड आई वॉज लाइक सॉरी 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 प्लीज सॉरी। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत एम्बेरसिंग था, सामने जो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड था उसके लिए बहुत एम्बेरसिंग था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, मैं फर्स्ट टाइम उसके घर गई हूँ और मैं तो ये बहुत एम्बेरसिंग और मुझे बहुत हंसी भी आती है। तो इस तरह के मेरे मोमेंट्स बहुत सारे हैं जिसमें मैं लोगों को डराती हूँ और कुछ उल्टा ही हो जाता है, मतलब ऐसा एक बार मैंने अपनी फ्रेंड को डराने वाली थी और वहाँ से मेरी कंपनी का जो बॉस है वो आ गए थे, एंड आई वाज लाइक भौ, और वो कूद गए डर के कारण तो ऐसे मेरे बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट्स होते हैं, मतलब इस तरह के काफी सारे एम्बेरसिंग मोमेंट्स हैं यार। देन नेक्स्ट है, इफ एनी बायोपिक इज पोर्ट्रेट ऑन योर लाइफ विच एक्ट्रेस यू वुड चूज टू प्ले योर कैरेक्टर। यार मैं खुद ही पोर्ट्रे करना चाहूंगी, मैं किसी और को प्रेफर नहीं करूंगी कि वो मेरी लाइफ का कोई भी पार्ट पोर्ट्रे करे। देन व्हाट इज योर मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज। माई मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज बाय माई ओन मनी इज माई मोबाइल फोन, दिस फोन इज परचेज बाय माई ओन मनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज का, इट्स लाइक अगेन रैपिड फायर। मिल्क शेक और पिज्जा, मिल्क शेक। ब्यूटी और क्लोदिंग, डेफिनेटली क्लोदिंग। देन ज्वेलरी और मेकअप, मेकअप। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑन सेटलिंग डाउन इन मुंबई, एनी प्लान्स टू मूव बैक टू द होम टाउन भोपाल। सो फॉर नाउ आई थिंक वी बोथ लव मुंबई एज वेल, मुंबई हम दोनों को काफ़ी पसंद है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर घर बहुत एक्सपेंसिव है, तो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे घर कभी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, मूव बैक टू भोपाल ऐसे हमारा कोई प्लान नहीं है, भोपाल में कुछ है भी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ भोपाल में वर्किंग कल्चर इज पथेटिक। मैंने वहाँ पर काफ़ी टाइम जॉब किया है, बहुत सारी कंपनीज में जॉब किया है, वहाँ का वर्किंग कल्चर इतना गंदा है कि जो इंसान मुंबई में जॉब कर चुका है ना इतने प्रोफेशनल एनवायरमेंट में,
इस चीज में भोपाल और मुंबई को कंपेयर करके बोलूंगी कि डेफिनेटली भोपाल में प्रोफेशनलिज्म जीरो है. व्हाट विल यू डू इफ योर हस्बैंड विल रिलोकेट एज हिज प्रोफेशन इज इनटू आईटी वेयर यू कैन नॉट वर्क स्पेसिफिकली आई मीन यूएस. सी आई थिंक राइट नाउ आई एम आल्सो डूइंग वर्क फ्रॉम होम ओनली. तो आई थिंक मेरा प्रोफेशन राइट नाउ ऐसा है कि मैं किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में ये काम कर सकती हूँ. तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट. अगर कभी विक्की भैया ने आप पे चीट किया या आपको आप कुछ चीट करते हुए पकड़े गए तो आप क्या करोगे? पहली बात तो मुझे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कंसेप्ट ही बहुत ही घटिया लगता है. यू कुड हैव टेल मी कि भाई आप मेरे मुंह पे बोल के चले जाओ कि अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे किसी और के साथ अट्रैक्शन हो गया, आई लाइक समवन एल्स, वो ज्यादा बेटर है. लेकिन अगर मैंने चीट करते हुए पकड़ लिया तो हर जगह एक्सपोज कर दूंगी. लाइक आई एम इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ का फायदा उठाऊंगी, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा सोशली. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूंगी, सेकेंड मैं फाइल करूंगी, एल्युमिनी चार्ज करूंगी, और इतनी खतरनाक एल्युमिनी चार्ज करूंगी ना कि इसको नानी दादी सब याद आ जाएंगे इसके. देन थर्ड नंबर पे मैं शायद जब मुझे पता चलेगा एकदम से तो मैं कूटूंगी इसको बहुत ज़्यादा, बैट से कूटूंगी, डंडे से कूटूंगी, या गर्म चिमटे से जला दूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ मैं. मेरा दिमाग आउट हो जाएगा क्योंकि चीटिंग आई डोंट लाइक. और जिसके साथ कर रहा होगा उस लड़की की भी मैं सेम हालत करूंगी, उस मैं इस तरह से हूँ, रोऊंगी चिल्लाऊंगी और उसके बाद सामने वाले की बैंड बजाऊंगी वो अलग, मतलब उसको ये फील करवाऊंगी कि तुमने मेरे साथ ये करके जीवन का सबसे घटिया काम किया है. और ऐसा सब करने के बाद जब मुझे डिवोर्स मिल जाएगा उसके 3-4 साल बाद मैं किसी अच्छे लड़के के साथ शायद फिर से शादी करके हैप्पीली मैरिड हो जाऊँ. सो यू नो अगर आपको कोई घूरता है पब्लिक प्लेस में तो आप क्या करते हो? मैं उसको डबल घूरती हूँ, मतलब मैं वो मुझे घूर रहा है मैं उसको इतनी गंदी तरीके से घूरती हूँ और तब तक घूरती हूँ जब तक उसकी आंखें नीचे नहीं हो जाती हैं. क्योंकि ऑब्वियसली भाई तू गलत काम कर रहा है, मैं क्यों आंखें नीचे करके इधर से निकल जाऊँ? दिस इज लाइक व्हाट डू यू रियली थिंक ऑफ यूट्यूबर्स हु डू डेली ब्लॉगिंग एंड शेयर द सेम बोरिंग कॉन्टेंट लाइक कुकिंग, दाल, शॉपिंग, ग्रॉसरीज? एज अ जनरल व्यूअर व्हाट डू यू थिंक? ऑल्सो एज अ यूट्यूबर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एक्सपेक्टिंग अ जेन्युइन रिप्लाई? डेफिनेटली आई विल गिव अ जेन्युइन रिप्लाई. सो द फर्स्ट थिंग इज सी, YouTube पे हर तरह का कंटेंट बनाने वाले लोग अवेलेबल हैं. ठीक है, सो जिसको जो पसंद है वो उनके पास. सपोज आप मेरे चैनल पे क्यों हो? बिकॉज यू लाइक मी, यू लाइक माई कॉन्टेंट. सामने वाला वो जो दाल चावल बना रहा है या डेली का वो चीज़ें कर रहा है वो उस टाइप का बंदा है, उसको वो चीज़ें पसंद आ रही है देखने का, तो इसलिए वो वहाँ पर है. एज अ जनरल व्यूअर आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ चैनल. तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार. उनको देखने वाले भी ऑडियंस है, दूसरा जो मेकअप बना रहा है उसको देखने वाले भी ऑडियंस है, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स बना रहा है उसको देखने वाले भी ऑडियंस है. आप ऑल टाइम इतने एक्टिव कैसे रहते हो? ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑल टाइम इतनी एक्टिव रहती हूँ, नहीं, मैं बहुत टाइम बहुत लेजी भी रहती हूँ, बट इट्स ओके टू बी लेजी. मैं बहुत बार ऐसा था कि दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब बंद करके रख के 2-3 घंटे की नैप लेती हूँ. नैप नहीं होती है, मतलब फुल ऑन सोती हूँ. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, बहुत सारी बार मैं लेजी भी रहती हूँ. बट ठीक है, अगर आपकी इन लॉज की फैमिली ऑब्जेक्ट करेंगे आपके कॉन्टेंट के ऊपर तो आप क्या करोगे? मैं सिंपल सा एक आंसर दूंगी, डोंट वॉच माई चैनल. इफ़ यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच माई चैनल. सो या दैट्स इट, दैट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय द वे. आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस question and answer round. And that's it for my video. If you really liked and enjoyed the video, then do hit the like button and subscribe to my channel for more such videos and comment down below. So I'll meet you in my next video. Till then, bye.